हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक है हमारे लिए राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि ये केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो इसके बारे में कहा जाता है, इट इज़ ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, इसके मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को जब हम लोग उसके फॉर्मूला लिखते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट है उसको सिंबल के फॉर्म में दिखाना। जैसे अगर बोले सल्फ्यूरिक एसिड, अब इसके लिए अगर हम लोग केमिकल फार्मूला लिखे तो होता क्या है, H2SO4। तो ये केमिकल फार्मूला के बारे में अभी मैंने बताया, इट इज ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है, हमने सल्फ्यूरिक एसिड को सिम्बॉलिकली दिखाया, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इसमें क्या क्या है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो इसमें इन्वॉल्व है सबके सब हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जब बोल रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सिम्बॉलिकली दिखा देंगे। तो क्या क्या पता चल रहा है इसमें सिम्बॉलिकली दिखाने पर, कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। यही होता है क्या हमारा केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या है, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिससे पता चलता है उसमें कौन कौन से चीज़ें, कौन कौन से एलिमेंट और कितने बार आए हुए हैं। ठीक है, केमिकल फार्मूला के बारे में आइडिया लग गया। जैसे अगर मान लेते हैं, हम दूसरा एक लेते हैं, वाटर बोल दिए, लेकिन इसका फार्मूला जब लिखते हैं H2O, तो क्या होता है, इसका ये केमिकल फार्मूला कहलाता है। क्यों केमिकल फार्मूला, इसलिए है क्योंकि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, डेट इज़ कौन कौन से एटम है और कितने बार आया है, उसके जानकारी इस फार्मूला से पता चलता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं केमिकल फार्मूला, बिकॉज केमिकल फार्मूला डिनोट्स विच टाइप्स ऑफ एटम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व टू मेक दैट अ पर्टिकुलर कंपाउंड। ओके, तो ये चीज़ें हम लोग देख लिए इसमें। ठीक, अब देखो केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग केमिकल फार्मूला किसका लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे आयनिक कंपाउंड का। किसका, तो आयनिक कंपाउंड्स का। हमने क्या जाना है पहले से, आयनिक कंपाउंड में आयंस क्या है, तो क्या है, द चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। अब देखो आयंस के बारे में तो पता हो गया आयंस। अब देखो आयंस से ही बनता है आयनिक कंपाउंड्स, क्या बनता है आयनिक कंपाउंड्स, मतलब क्या, वैसा कंपाउंड जो आयन से बना हो। और आयन हमारे पास कितने टाइप्स के थे, एक पॉजिटिव था और दूसरा क्या था, निगेटिव था। और आयनिक कंपाउंड किस चीज़ से बना होगा, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन से। ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, आयनिक कंपाउंड होता क्या है, तो वैसा कंपाउंड जो बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों से मिलकर बना हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। जब आयनिक कंपाउंड हमारे पास जानकारी हो गया तो अब थोड़ा सा समझेंगे हमारे पास कौन कौन से आयन हैं। तो इसके लिए आपके बुक में NCERT में हमारे पास बुक है, मैं दिखा देता हूँ। ये आपके पास टेबल होगा, इस टेबल का पूरे के पूरे आयंस को आप क्या करेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे। यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे आयंस जो सिंबल के फॉर्म में दिए हुए हैं उस पर कितने अमाउंट ऑफ चार्ज है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा, आपको इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो एक हिंदी में कहावत है, जिससे नहीं आया आयन वो नहीं समझेगा रसायन। इट मीन्स जिसके पास आयन का नॉलेज नहीं है उसको केमिस्ट्री का भी नॉलेज अच्छे से नहीं हुआ। सो यू मस्ट रिमेंबर डैट ऑल आयंस गिवन योर बुक। ओके, तो इतना चीज़ जरूर कर लेना। तो हम क्या समझा सकते हैं, उसके बाद आसानी से उसको कंपाउंड बनाना सिखा सकते हैं।
ठीक है। तो चलो हम कुछ जानकारी देते हैं किसके बारे में, तो हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी और कैपेसिटी, ये सब जानकारी देते हैं। ओके, जस्ट आई हैव टू रॉप दिस। ओके, तो अब समझना है हमारे पास क्या कंसेप्ट है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, देखो किसी भी आयंस के पास दूसरे आयंस को कैप्चर करने का, पकड़ने का जितने पावर होते हैं उसको कहते हैं हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी। इट इज द पावर टू कैच एनी अदर अपोजिट आयंस। क्या है कि इसके पास पावर है कि अपने से अपोजिट वाला आयंस को पकड़ सके। और देखो हर आयंस के पास अलग अलग कैपेसिटी होती है। सपोज अगर हम बात करते हैं एल प्लस थ्री, तो इसके पास थ्री है, कैल्शियम के पास अगर प्लस टू लिखते हैं इसके पास टू है, और हाइड्रोजन के पास एच प्लस लिखते हैं इसके पास एक है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, जस्ट ए पावर है। जैसे हमारे पास हाथ होते हैं, दो हाथ है तो दो आदमी को पकड़ेंगे, सेवन हाथ होता है तो सात आदमी को पकड़ते, एक हाथ है तो एक आदमी को पकड़ेंगे, ठीक उसी प्रकार से इसके पास जितने चार्ज होंगे, किसी भी आयंस के पास जितने चार्ज होंगे उतने उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, किसी दूसरे एटम्स या आयंस को पकड़ने की जो पावर है, जो कैपेसिटी है, उसके क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी या जस्ट कैपेसिटी है। वो कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे पता चलता है, तो किसी भी आयंस के पास एनी आयंस हैव अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव आयंस, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव या निगेटिव आयंस दैट्स कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जितने उस पर चार्ज होगा उतना उसका क्या होगा कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे निकलेगा, तो जस्ट उसको देखना है पॉजिटिव आयन है या निगेटिव आयन है, तो वो उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी उतना हो जाएगा। जैसे कि NH4+ अगर लिख रहे हैं तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इस ग्रुप ऑफ एटम के पास क्या है एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है। एल्युमिनियम पर प्लस थ्री लिखे मतलब इस सिंगल एटम के पास क्या है, सिंगल आयन के पास क्या है तीन कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे कि उसके बाद में अगर हम लोग लिखे कि यहाँ पे O2- है तो ये ऑक्सीजन के पास कितना है दो कंबाइनिंग कैपेसिटी है। हाइड्रोजन का एक प्लस लिखे इसके मतलब हाइड्रोजन का एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है। नाइट्रोजन का लिखे -3 तो इसका तीन कंबाइनिंग कैपेसिटी है। इसके मतलब क्या समझे तुम, जितने उसके चार्ज उतने उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी। समझ में आई क्या, आया तो लाइक करो, चलो लाइक करो। ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि यहाँ पे कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में समझ में तो आ गया, तो एक यहीं से एक वैलेंसी टर्म का क्लेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर वैलेंसी बाबू यहाँ से देख लो, वैलेंसी का मतलब कि जितने उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी उतने उसकी वैलेंसी। क्या समझा तुमने, जितने उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी उतने उसके वैलेंसी। सो वैलेंसी इज इक्वल टू देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या समझ में आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी हो गया, वो हमारे वैलेंसी के बराबर है, डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटी सिंपल टर्म। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ रूल्स के बारे में। जब हम लोग केमिकल फार्मूला लिखेंगे उस समय एकदम से ध्यान देना है, क्या करना है एकदम से ध्यान देना है। चलो तो इसको मैं रब करता हूँ। ओके माई डियर, तो अब आगे चलते हैं, समझते हैं पहला लॉ को या नियम कहो। अब कोई भी आयनिक कंपाउंड के बारे में एकदम से क्लियर हो गया, क्या है आयन से बना हुआ कंपाउंड आयनिक कंपाउंड्स। तो एनी आयनिक कंपाउंड्स आर न्यूट्रल इन नेचर। क्या होते हैं,
कोई भी आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। जैसे एग्जांपल में देखो NaCl, H2SO4, HNO3, NaOH3, NaOH3, CaCO3, NH2CO2, ये सब क्या है, हमारा कंबाइंड फॉर्म में है और साथ में क्या है, न्यूट्रल है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड का यही खूबसूरती है, जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज। तो कहा जाता है पहला नियम में ही, पहला रूल में ही, द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय टोटल नेगेटिव चार्ज। तो क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्लियर है ना, नेगेटिव के साथ में क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। तो टोटल पॉजिटिव के साथ जब नेगेटिव बैलेंस हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये कंपाउंड क्या है, ये आयनिक कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड रूल पे। किस पे, सेकेंड रूल पे। तो दूसरे लॉ में ही हम लोग पॉलीएटॉमिक का एक केस देखेंगे कि वो क्या होगा, पॉली एटॉमिक आयंस। क्या है, पॉली एटॉमिक आयंस। तो ये रूल्स के बियॉन्ड है, ये ना दूसरा रूल्स है ना तीसरा रूल्स है, बस ऐसे सिंपल कॉन्सेप्ट है पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयंस मतलब कि देखो, पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब कि एक से ज़्यादा एटम होगा और उस पर होगा चार्ज। जैसे देखो CO3 पर दो माइनस, SO4 पर दो माइनस, ठीक है, NO3 पर माइनस। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, पॉली एटम, मेनी एटम पे चार्ज, मेनी एटम पे चार्ज, पॉली एटॉमिक आयंस है। ठीक है, जब पॉली एटॉमिक आयंस है तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट लेकर अब आगे वाले रूल्स आने वाले हैं उसमें इसको अप्लाई करेंगे। अब यहीं से एक कंसेप्ट और हम बता दें, मोनो एटॉमिक आयंस। ठीक है, क्या होगा, मोनो एटॉमिक आयंस। ठीक है, मोनो एटॉमिक आयंस मतलब कि मोनो में सिंगल, एटॉमिक एटम मतलब कि जो हम लोग L3+, नाइट्रोजन पर 3-, ऑक्सीजन पर 2-, ये सब जो लिखते हैं सिंगल एटम पे आयंस, दैट इज कॉल सिंगल एटम पर चार्ज, दैट इज कॉल मोनो एटॉमिक आयंस। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया क्या? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब सेकेंड रूल्स पे। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जब हम लोग आयनिक कंपाउंड लिखेंगे, जब क्या करेंगे हम लोग आयनिक कंपाउंड लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल्स को, मेटल्स, एंड देन क्या करेंगे, एंड देन नॉन मेटल्स आर रिटेन। मतलब क्या कि जैसे कि इसमें देख लो, यही रूल्स को अप्लाई कर लो, इसमें इसमें हमेशा पहले में देखो मेटल वाले चीज़ होंगे, या मेटल होंगे या मेटालिक प्रॉपर्टी वाले, इसको छोड़ दो जरा सा, ये कुछ अलग कंपाउंड है, ये आयनिक नहीं है, लेकिन हम इसको लिखे हैं कि यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज आएगा, ये एक स्पेशल केस वाला है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये स्पेशल आयनिक कंपाउंड बनता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है, इसको छोड़ दो। बाकी सबको देखोगे कि यहाँ पे पहले क्या होंगे, मेटल या मेटालिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट, मेटल मेटल मेटल, उसके बाद क्या आएंगे, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल नॉन मेटल, यहाँ सेकेंड में सबके सब नॉन मेटल। जैसे तुम क्या करोगे, CaCl2, NaCl, नमक का फॉर्मूला KCl, क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद में यहाँ पे क्या करोगे, कैल्शियम का कार्बोनेट। ये सब में देखोगे कि पहले क्या आएगा, मेटल एंड देन नॉन मेटल, मेटल एंड मेटल एंड देन नॉन मेटल। ठीक है, तो ये सब के सब क्या होगा, सेकेंड रूल में आएगा। और ये क्या कहता है कि पहले मेटल लिखो फिर देन नॉन मेटल लिखो। थर्ड रूल क्या करता है, क्या कहता है उसको समझो। चलो इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, देन थर्ड रूल पर हम लोग चलते हैं। अब वही जो पॉलीएटॉमिक का कॉन्सेप्ट बीच में दिए थे उसका इस्तेमाल करना है। देखो
अगर तुम्हारे पास क्या हो, पहला केस में कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक आयन गिवेन हो एल्युमिनियम 3+, ठीक है। अब पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल हम लोग क्या लिए थे, SO4 पर 2-, NO3 पर -, CO3 पर 2-, OH पे -, ये सब क्या है, या NH4 पर +, ये सब क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन, क्या है, पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। अब देखो पॉलीएटॉमिक आयंस जब रहे और वहाँ पे क्या करना है कि उस केस में तुम्हें क्या करना हो कि ये पॉलीएटॉमिक आयंस के हेल्प से कोई आयनिक कंपाउंड बनाना हो, तो क्या करते हैं कि पॉलीएटॉमिक आयंस को क्या करते हैं हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं, इट इज टेकन इन ब्रैकेट, क्या करते हैं ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ओके। तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और उसके बाद में इससे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, क्या करते हैं आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जैसे एल्युमिनियम प्लस 3 है, तो एक इस रूल में सिर्फ यही याद रखना, फिर उसके बाद में हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, आयनिक कंपाउंड जब बनाएंगे उस समय इसको, अब रूल्स ये खत्म हो गया, रूल्स थर्ड में यही था कि अगर पॉलीएटॉमिक आयंस रहे तो उसको ब्रैकेट में लिखने का प्रयास करना है। अब ये तीन रूल्स को अप्लाई करना है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब आयनिक कंपाउंड लिखेंगे तो पहला चीज़ याद रखना है कि कोई भी आयंस रहे, या मोनोएटॉमिक आयंस रहे या पॉलीएटॉमिक आयंस रहे, वहाँ क्या करना है उसके जो चार्ज है, जिसका आयन जितना चार्ज होता है, जिसका जितना चार्ज होता है, जिस आयन पर जितना चार्ज होता है वही क्या होता है हमारा, वही क्या होता है हमारा, सही सोच रहे हो, वही उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, इसका कितना है 3। अब मान लो कि यहाँ पे कुछ मोनोएटॉमिक लिख लेते हैं, N-Ca2+, Al3+, और यहाँ पे Na+, यहाँ पे Ca हो गया है, ये सब हो गया, ऑक्सीजन 2-, ये सब लिख लेते हैं। तो चलो, और एक टेबल 3.6 तो मैं बोला हूँ ये याद करने के लिए, वो जरूर कर लेना, बहुत ही हेल्पफुल होगा, नाम लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब हम इससे क्या करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस को लेकर केमिकल फार्मूला लिखना सिखाएंगे। जैसे देखो एक पॉजिटिव ले लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑलरेडी लिया हुआ है, दूसरा ले लेते हैं सपोज एक क्लोरीन भी ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं माइनस चार्ज। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जितने इसके चार्ज, इस आयन पर जितने चार्ज उसके कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो पहला टास्क यही है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी के नीचे डिनोट कर देना है, कंबाइनिंग कैपेसिटी को नीचे डिनोट कर देना है, इसका एक है तो यहाँ एक, इसके तीन है तो यहाँ तीन। अब इसके कंबाइनिंग कैपेसिटी और इसके कंबाइनिंग कैपेसिटी का यहाँ यूज़ करना है। एक चीज़ याद रखना, सपोज अगर ए यहाँ लिखते हो तो ए के यहाँ वाला पोजीशन और यहाँ वाला पोजीशन का एक नाम देते हैं, ऊपर वाला होता है सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाला होता है सब स्क्रिप्ट। अब क्या करते हैं कि इसके, अब पहला रूल क्या कहता है, चार्ज मस्ट बी बैलेंस, क्या होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी बैलेंस। तो यहाँ पर देखो 3+ चार्ज है, यहाँ 1+ चार्ज है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं, और इसके जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होते हैं उससे इसके सब स्क्रिप्ट में गुना करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विद देयर सब स्क्रिप्ट, और इसके जो नंबर होते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी का उससे इसमें करते हैं। चलो करते हैं, L1 इसके लिए, क्लोरीन 3, तो 1 हम लोग है ना फॉर्मूला में नहीं दिखाते हैं, इसलिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, AlCl3 यूज़ करेंगे। दूसरा हम लोग ले लेते हैं क्या, कैल्शियम 2+, उसके बाद में मेरे पास दूसरा आ जाए क्या, ऑक्सीजन 2-, ठीक है। तो वहाँ के केस में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसके 2 से इसमें गुना, इसके 2 से इसमें गुना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ca2O2। तो यहाँ से तुम क्या समझा कि यहाँ से दोनों के नंबर इक्वल आ रहे हैं, 2-2 से गुना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेंगे, 2-2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो CaO हो जाएगा, और यही क्या हो गया तुम्हारा,
आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मान लो हाइड्रोजन लेते हो H प्लस और सी एल माइनस एक लेते हो, इसके लिए जो बनेगा तो एक और एक, यहाँ H और सी एल वन वन, तो वन वन नहीं लिखकर हम लोग वन को तो डिनोट करते नहीं हैं, सिंपली एस सी एल। अब क्या करते हैं, पॉली एटॉमिक वाला ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि सोडियम है, उसके बाद क्या है SO4 दो माइनस सोडियम प्लस, इससे फॉर्मूला बनाते हैं, इसका वन इसका टू, इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना, तो Na2SO4, इसको ब्रैकेट में लिखने का लिए हम थर्ड रूल बताए थे पॉली एटॉमिक के केस में, ठीक है। वो कब करते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं, कब, जब क्या होता है मेनी टाइम्स पॉली एटॉमिक आयंस को दो बार तीन बार टू टाइम्स थ्री टाइम्स रिपीट करना होता है, तब उसको ब्रैकेट में लिख कर और उसको सबस्क्रिप्ट में डालते हैं। उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसके लिए तो क्या करना है, एक से गुना करोगे तो सिंपली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए Na2SO4 लिखेंगे। लेकिन वही तुम्हारे पास अगर एग्जांपल आ जाए कैल्शियम दो प्लस और कैल्शियम दो प्लस नहीं, तुम्हारे पास आ जाए कैल्शियम दो प्लस, ठीक है, और NO3 माइनस, तो इसके कंबाइनिंग कैपेसिटी दो और इसका वन, इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना, तो फाइनली क्या हो जाएगा Ca, और इसमें वन से गुना कर दो वन, और NO3 को ब्रैकेट में क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ दो जो दो है कंबाइनिंग कैपेसिटी उससे इसमें गुना करना है और वो भी इसके सबस्क्रिप्ट में, तो NO3 जो है इसको दो टाइम्स रिपीट करना है तो दो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CaNO3 का होल ट्वाइस, वो एक को तो दिखाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, तुम प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, राइटिंग द नेम ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखोगे। तो तुम्हारे पास जो टेबल है उस टेबल का हेल्प लोगे, क्या करोगे टेबल का हेल्प लोगे, और उस टेबल के हेल्प से तुम उसका नाम लिख सकते हो, टेबल में नाम दिया है आयन का, क्या है नाम दिया है, तो तुम क्या करोगे सबसे पहले राइट द नेम ऑफ मेटल्स जो क्या होगा प्लस चार्ज में पॉजिटिव आयन होगा, जो पॉजिटिव आयन्स के फॉर्म में होगा तुम्हारे चार्ट में वो देख लेना, जो टेबल में है वो देख लेना। उसके बाद देन द नेम ऑफ निगेटिव आयंस इज रिटेन, बस इतना ही सा तो करना है नेम में, क्या करोगे राइटिंग द नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड में क्या करोगे, नोमेनक्लेचर होगा एक तरह से, तो नोमेनक्लेचर में क्या करोगे सबसे पहले टेबल के हेल्प से पॉजिटिव आयंस डेट इज मेटल होगा, मेटल का नाम लिखोगे, एंड देन निगेटिव आयंस डेट इज नॉन मेटल का नाम लिखोगे, निगेटिव आयंस इसको नॉन मेटल भी कहेंगे उसका नाम लिखोगे, बस तुम्हारा हो जाएगा क्या वो कंप्लीट हो जाएगा, सारे के सारे तुम्हारे बुक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके देन आज का लेक्चर में यही स्टॉप करता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।